तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीनत अली खान है। मेरे साथ जो हुआ उसे आज भी जहन में लेके आऊं तो रूह कांप उठती है। खैर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब सब ठीक है। हमारी अम्मी ने जब देखा कि हमारी सारी आदतें दिन पर दिन बदल रही थी, तो अम्मी के एक जानकार इसी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमारी मदद की और उन्होंने बताया कि जिन्नों को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। उन्होंने उस जिन को एक घड़े में बंद करके यूनिवर्सिटी में एक जगह छुपा दिया। वो जगह बिल्कुल शांत है और वहाँ कोई भी आता जाता नहीं। ब्लैक टेंपल की बात करें तो रात को जाना क्या, वहाँ तो दिन को जाना भी बंद करवा दिया गया है। और वो तीन लड़के कहाँ है हमें मालूम नहीं। उस हादसे के बाद हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। अब तो बस यही दुआ करते हैं कि सब खैरियत हो। यार एक्चुअली मेरी रूम की चाबी गुम हो गई। कितना टाइम मेरा रूममेट नहीं आता, मैं तुहाडे रूम च वेट कर ला। आपको यही रूम मिला? नहीं, ऐसी कोई गल नहीं यार। एक्चुअली विंटर वेकेशन चल रही ना, तो सारे रूम्स बंद है, सिर्फ तुहाडा रूम ही खुला मिलिया। बट एनीवेज मैं कितने कोड देख लेना। ओ नहीं नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। आप आ जाओ, वैसे भी मैं अकेला ही हूँ। चीज किया यार, ये सब की कर रहे सी तुसी? मेरा रूममेट, लास्ट ईयर इसकी मौत हो गई थी। उसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और बीच में तुम आ गए। कोई मजाक चल रहा है? मेरे रूममेट की मौत तुम्हें मजाक लग रही है? नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं सी। मैनू लगता मैनू फिर आना चाहिए। अच्छा सॉरी। तुम
तुम अंदर कैसे आए? और ये दरवाजा किसने खोला? मैं पूछता हूँ, दरवाजा किसने खोला? एक मुंडा, लंबे वालों वाला। लंबे वालों वाला लड़का? ये? ये मेरा रूममेट? बहुत ही गंदा मजाक कर रहे हो तुम। इसकी पिछले साल मौत हो चुकी है, क्या ये तुम्हारे लिए दरवाजा कैसे खोलेगा? पीछे क्या है? पीछे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब और इससे ज्यादा एक्टिंग नहीं होती भाई। I'm sorry, ये सब इसका प्लान था। हम बोर हो रहे थे, तुमने नॉक किया तो सोचा थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हैं। क्या? मस्ती? मजाक? You guys are sick man. मैनू जाना चाहिए। ओ हेलो, बोल दिया ना प्रैंक था, तुम्हें वेट करनी थी ना। आओ आओ बैठो। नहीं मैं चलिया। देखो तुम अगर ऐसे जाओगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। आओ बैठो। यार जे तुसी मजाक कर रहे सी तां ये सब की है? ये ना मेरे रूममेट की हॉबी है, आत्माओं से कांटेक्ट करना। पिछले एक घंटे से हम यही ट्राई कर रहे थे। इसका मानना है कि आत्माएं बुलाने पर आती हैं और कई बार उनको वापस भेजना मुश्किल हो जाता है। ओ कम ऑन यार, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम आत्मा पे विश्वास करते हो? क्या लगता है तुम्हें, आत्माएं बुलाने पर आती हैं? मैनू नहीं पता। एनीवेज तुम्हारा नाम क्या है? गुरशरण सिंह, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। ये कहाँ है? ये कहाँ गया? बुलाने पे आते हैं और कई बार उनको वापस भेजना मुश्किल हो जाता है। जी बड़े क्या हुआ? भैया हमारे कमरे में कोई है। कोई है मतलब? मतलब भाई भूत आत्मा स्पिरिट है। क्या बोल रहा है बड़े, फर्स्ट ईयर में नीट वगैरह मार रखा है क्या? देख लिया, कहा था ना सब तेरी गलती है। सिर्फ बच्चा नहीं है जो मैंने तेरी उंगली पकड़ के कुछ भी करवाया हो, जो भी किया साथ में किया है। भाई तुम लोग घर कह रहे हो बॉयज हॉस्टल में? प्रत्ये पहले बात तो सुन ले। आप प्लीज हमारे कमरे में चलो। भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। भाई भाई प्लीज चलो यार, प्लीज भाई। भाई इनका ज्यादा हो रहा है यार। ओए आ जाओ देखते हैं। आ जाओ।
अंदर तो आ जा। यही था वो। वहाँ कुछ भी तो नहीं है भाई। ये क्या है? इससे तो भूत बुलाया जाता है ना। इससे भूत बुलाया जाता है? अभी ये तो वही है जिससे आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। ये लोग नहीं समझेंगे यार, सारी गलती हमारी है। ये क्या कर रहे हैं? वो तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है भाई? इतना नहीं पीना होता। अब इस उम्र में वाइन और डिवाइन के शौक पालोगे तो भूत तो दिखेगा ही। चल यार प्रत्यय, अब चलते हैं। हाशिर, क्या हुआ? फोन भाई, कुछ नहीं है, तू रूम में आ जा। कौन है वहाँ? ना नवनीत, मुझे किसी ने खींचा। कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो आशिर। हो गया भाई, खून खून, ये तो पानी है।
तानू होया क्या दोवानू नवे आए लगते जे? आप पुराने स्टूडेंट हो, आपको पता होगा उस लड़के के बारे में जो हमारे रूम में है। की होया तानू? बॉयज हॉस्टल है, लड़के ही होंगे। लड़का नहीं, लड़के की आत्मा। की आत्मा? आप प्लीज बैठो, हम आपको बताते हैं। कमरा नंबर कितना था? 1205। 1205? तुहानू पता भी है उस कमरे की हिस्ट्री बारे? 2 साल पहला उत्थे 3 जने रहिंदे सी, बबलू, हरमन ते गुरशरण। ते उन्हां चों गुरशरण ने सुसाइड कर लिया सी। जे तुसीं सच बोल रहे हो, एक बारी गुरुद्वारा साहब हो आओ, सब ठीक हो जू। सब ते मेरे सब होते दूर, नानक आप अल्पत रहे आप भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी। कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है। कई कोट बैठत ही खाए। कोलंबिया के हाटो में एक स्कूल कॉरिडोर में 11 बच्चों को मृत पाया गया। बताया जा रहा है ये सभी बच्चे ओइजा बोर्ड गेम खेल रहे थे। इन बच्चों की उम्र 13 से 17 साल की। यार वो जपनीत को नहीं आना, ल्यूना से बुलाने गई हुई है।
स्वाति। थैंक्स फॉर कमिंग। इट्स ओके। वो इज़ा बोर्ड काम पे है। बैग में कोई 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 गुरशरण नाम का लड़का जिसकी आज नाम मत लो। नाम लेने से इविल स्पिरिट और स्ट्रांग हो जाती है। हुनिया ने तो हाल रखी है। सी, जब भी किसी की सडन या अब नॉर्मल वे से डेथ होती है तो उसकी बॉडी तो इस दुनिया से चली जाती है, पर उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा इस दुनिया से जाना नहीं चाहती, और उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। हमें वो रीजन ढूंढना पड़ेगा। कोई रीजन नहीं है, वो सिर्फ हमारे कमरे में रहना चाहता है। रीजन है, रीजन होता है, हमें उसको बुला के पूछना पड़ेगा। क्या बोल क्या रहे हो आप? नंदनी, तुझे लगता है ये इसका सोल्यूशन है? और कोई ऑप्शन है? हमें एक शांत जगह चाहिए जहाँ बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ? ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। निकालो उसे। यार मैनू नहीं पता है सब कुछ, उसी सब ने जो करना करो, मैं इत्थे बाहर ही बैठी हाँ, मैं इस जगह नू एक्सप्लोर करूंगी। वो आत्मा यहीं पे है, आई कैन फील इट। कोई भी मेरे कहने तक उंगली नहीं उठाएगा। नाउ कॉन्सेंट्रेट। गुरशरण की आत्मा, हम तुम्हें पुकार रहे हैं, हमारे सामने आओ। गुरशरण की आत्मा, हम तुम्हें पुकार रहे हैं, हमारे सामने आओ। तुम इन दोनों से चाहते क्या हो? प्लीज बताओ। हरमन। हेलो गाइस, तुसी बहुत टाइम लगा रहे हो, मैं हॉस्टल चल रही हूँ, डोंट लुक फॉर मी। हरमन, वो कौन है? याद है तुझे? हरमन गुरशरण का बेस्ट फ्रेंड। चलो चलो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। Thank you.
एक्सक्यूज मी भैया। हाँ जी दसो। हरमन के बारे में पूछना था। ऐसे तो बहुत सारे हरमन ने। गुरशरण के बैच वाला शायद अभी मास्टर्स में होगा। वो वाला हरमन वो तो अनु सिर्फ एशिया उसे मिलेगा। ओके थैंक यू। ए लड़की क्या करने गई थी तू वहाँ? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। की केड़ी गलती? कौन हो तुसी? मेरा हाथ क्यों फड़िया? वो आजाद है, जीनत खतरे में है, मैं खतरे में हूँ, तू खतरे में है। हे एक्सक्यूज मी, यू हरमन? हाँ जी। फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट? यस। हमें आपके फ्रेंड के बारे में बात करनी थी, गुरशरण के बारे में। गुरशरण? हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। की? गुरशरण वापस आ गया? पर ये किवें हो सकता? जे तुसी सच बोल रहे हो तो मैं शामी जरूर आवांगा। चल की रहे थे? कुछ दसोगे? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा की चल रहे थे। वो घड़ा जो तू तोड़ के आई है उसमें जिन कैद था, अब जो होगा वो किसी को नहीं पता। ये साडे नाल हो की रहा है? मैनु यकीन नहीं हो रहा। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने, चल मेरे साथ। भैया बैठो। ये जिंदगी नू समझना भी बड़ा मुश्किल है। पता नहीं किन्ने आए ते किन्ने गए, पिछे रह जांदियां ने ते बस उन्हां दियां यादां। यादें? यादें नहीं, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लीज़ हमें बताइए उनके साथ क्या हुआ था, उन्हें सुसाइड क्यों किया था। प्लीज़ हेल्प अस। जो उहदे नाल होया वो साढ़े तो वध किसनू पता होगा? वो सारा सारा दिन कमरे च कल्ला बैठा रहिंदा सी, ना किसी नाल बोलदा, ना किसी दी सुनदा, ना कुछ कहिंदा। शायद वो चीज़ां ने उहनू कदी छड्डिया ही नहीं। अखीर च जिस चीज़ का सानू डर सी उही होया। मैं तो अच्छी पर
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? चला जा गुरशरण, चला जा। की मिल रहा है तेनु ये सब करके? कितने चला जावा? ये कमरा मेरे। की चाहना तू? जिस तरह वो चीजा तेरे ते हावी हुई ते तू सुसाइड कर लिया, उसी तरह तेरे तो तंग आके इन्हें चो कोई सुसाइड कर लवे। सही बोल रहे हैं हरमन, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चला जाऊंगा। बेस्ट फ्रेंड था कर। तू कहिंदा हुंदा सी ना बंदे लई यारी दोस्ती तो उत्ते कुछ नहीं हुंदा, ते असी यारी नहीं निभाई, तेनू कल्ला छड्डता ते तू सुसाइड कर लिया। चल सानू छड्ड, अज मैं तेनू दिना यारी दा वास्ता। होर कुछ नहीं मिलिया ते यारी दा वास्ता। जे तेरे लई साडी यारी थोड़ी जेही भी मायने रखदी है ते चला जा, छड्ड दे इस जगह नू, चला जा गुरशरण। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਹਰਮਨ।
थैंक यू भैया। एक मिनट, मेरा फोन रह गया, तुसी चलो मैं आया। Say nothing.